वेलकम टू जीडीसी क्लासेस नाउ विल टेक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज बोवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन यहां पर भी रिडक्शन होता है लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां है कि यहां एस्टर्स का रिडक्शन होता है और बनने वाला क्या प्रोडक्ट है केवल एल्कोहल मिलता है सो एस्टर इज रिड्यूस टू प्राइमरी एल्कोहल यूजिंग एब्सोल्यूट एथेनॉल एंड सोडियम मेटल सो yeah? so, कैसे होता है लेट्स सी हमारे पास ये एस्टर है सोडियम मेटल के साथ में और एप्सोल्यूट एथेनॉल यूज करके आप देख रहे हैं दो अलग अलग प्राइमरी अल्कोहल हमें मिल रहे हैं कैसे मिलेंगे मैकेनिज्म देखते हैं मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म हाउ दिस इज टेकिंग प्लेस लेट्स सी ये हमारे पास एस्टर है और दिस इज सोडियम मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है दिस इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू तो दार्बनल कार्बन क्यों दिया क्योंकि इससे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है विड्रॉ कर रहा है तो यहां पर ही पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है जैसे ही इसने यहां इलेक्ट्रॉन दिया तो नेक्स्ट बॉन्ड हमारा शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पर तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा अभी ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ चुका है और यहां रेडिकल बन चुका है ओ आर डैश क्लियर ये हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है नेक्स्ट केस में हमारे पास जो है एथेनॉल से प्रोटॉन आएगा और एथेनॉल से हमारे पास आएगा ये इस एच को पिक करेगा नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा सी ओ एच और यह हमारे पास ओ आर डैश और यहां पर एक रेडिकल बना हुआ है नेक्स्ट केस में क्या होगा अभी यहां पर फिर से सोडियम आएगा और फिर से सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ही देगा तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास आएगा आर सी ओ एच और इस पर हो गया है अब नेगेटिव चार्ज डबल बोन ओ आर डैश ऐसे लगा दिया क्लियर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पर ये जो इसके पास जो दो लोन पेयर हैं ये जो दो लोन पेयर हैं शिफ्ट हो जाएगा ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा ठीक है फिर से एथेनॉल आएगा और इसको प्रोटोन देगा ये यहाँ से प्रोटोन पिक करेगा ये वोन यहाँ चला जाएगा नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा आर सी ये तो ओ OH एच है और यहाँ एच लग चुका है और ये हमारे पास ओ आर डेस दिस इज द कंडीशन इन नेक्स्ट स्टेप वॉट विल हैपन यहाँ से ये बॉन्ड टूट कर जाएगा इस ऑक्सीजन पर और ये ऑक्सीजन पिक करेगा इस हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन पिक करेगा इस हाइड्रोजन को दिस हाइड्रोजन इज पिक अप बाय दिस ऑक्सीजन एंड दिस बॉन्ड शिफ्ट्स हियर और आपके देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट बना आर सी ओ एच और यहां से निकल चुका है क्या निकल चुका है आर ओ एच तो एक प्राइमरी एल्कोहल हमारा यहां इस स्टेप पे निकल चुका है आर ओ एच ओके नेक्स्ट अब फिर से यहां सोडियम मेटल आएगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन को देगा जैसे ये देगा तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास कंडीशन आ गई ओ नेगेटिव और एच और सी पर रेडिकल आ चुका है नेक्स्ट केस में यहाँ पर सी टू एच फाइव ओ एच प्रोटोन देगा इस ऑक्सीजन को ये दे दिया अब जैसे ही प्रोटोन लेगा तो हमारे पास कंपाउंड बना जो बनेगा ओ OH। एच इस पर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ गया नेक्स्ट केस में अब यहाँ पर फिर से सोडियम आएगा और इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो अभी नेक्स्ट केस में हमारे पास बनने वाला है आर सी यहाँ पर पूरा नेगेटिव चार्ज आ चुका है इस कार्बन पर ये ओ OH एच है और ये एच हमारे पास है क्लियर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सीधा यहाँ से यहाँ चलिए नेक्स्ट स्टेप में फिर से सी टू एच फाइव ओ एच और यही इसको प्रोटोन देगा ये से इसको प्रोटोन देगा ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बना प्राइमरी एल्कोहल दिस इज द प्रोडक्ट व्हाट वी गॉट फ्रॉम दिस रिएक्शन दो प्राइमरी एल्कोहल हमें मिले हैं आप देखेंगे और दोनों प्राइमरी एल्कोहल होमोलोगस सीरीज में मिलेंगे मतलब एक में सी एच टू मिथैलिन ग्रुप कम होगा और एक नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर होगा आर ओ एच उसके बाद आर सी एच टू ओ एच क्लियर। अगर आप यहां डिफरेंट आर ग्रुप और आर डैश ग्रुप ले लें अगर यहां सी एस थ्री ले और यहां सी टू एच फाइव ले तो हमारे पास यहां सी टू एच फाइव ओ एच मिलेगा और यहां सीएस थ्री सी टू ओ एच मिलेगा क्लियर तो अभी उस केस में आप देख रहे हैं ये भी सी एस थ्री सी एस टू ओ एच हुआ और हमने हाँ इथेल ग्रुप यूज किया था तो यह भी हमारे पास सी एस थ्री सी एस टू ओ एच मिलेगा गॉड एट तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में हुआ कि दोनों ही हमारे जो अल्कोहल मिले हैं प्राइमरी मिले हैं लेकिन दोनों ही एक जैसे मिले हैं ओके okay? इसका मतलब आर और आरडेस में अगर हम वन मिथैलिन ग्रुप का टू मिथैलिन ग्रुप का डिफरेंस रखें तो यानी कि अगर यह हमारे पास मिथैल ग्रुप है और ये हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप है डैश ठीक है तो हमारे पास यहां पे मिलने वाला है प्रोपाइल एल्कोहल और ये मिथाइल है तो हमारे पास यहां मिलने वाला है इथाइल एल्कोहल गॉट इट सो so, एक कंडीशन में यहां पर एक ही तरह का एल्कोहल मिलेगा किस कंडीशन में अगर दोनों एल्कोहल ग्रुप में केवल एक से एस टू ग्रुप का डिफरेंस हो जैसे अभी मैंने बताया अगर यहां मिथाइल ग्रुप है और यहां इथाइल ग्रुप है तो यहां भी इथाइल अल्कोहल मिलेगा और यहां भी इथाइल अल्कोहल मिलेगा इधर तो दो मॉलिक्यूल ऑफ़ इथाइल अल्कोहल मिलेंगे अगर हम आर और आर में वन मिथालीन ग्रुप का डिफरेंस ना करके टू मिथाल ग्रुप का डिफरेंस कर दें तब हमें अलग अलग प्राइमरी अल्कोहल मिलने मिलेंगे ओके एप्लीकेशन पार्ट में बात करें तो यह मैंने आपको एप्लीकेशन बताया दूसरा नेक्स्ट जो वर्जन है इसका बॉवेंट बॉवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन का एप्लीकेशन की बात करें तो सोडियम यहां लिया जाता है आपका सिलिका जेल के साथ में तो सिलिका जेल के साथ में सोडियम होता है तो रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाती है और सेफ भी रहती है तो नया जो वर्जन आया है वो सोडियम विथ सिलिका जेल आया है वहाँ यूज एब्सोल्यूट अल्कोहल ही होता है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विद रेस्पेक्ट टू प्रिपेयर टू डिफरेंट एल्कोहल्स एंड इवन इफ वी वॉन्ट टू प्रिपेयर वन काइंड ऑफ एल्कोहल इन मोर अमाउंट सो बॉबोल्ट ब्लैंक रिडक्शन वहां पर यूज करने वाले हैं क्लियर नाउ विल नेम दी स्टेप्स, सो फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ दिस इज द फर्स्ट स्टेप दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर

स्टेप फिर से फोर्थ स्टेप यहां पर फिर रिमूवल ऑफ और शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ वन मोल मोल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल यहां से हुआ और एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोन आप कह सकते हैं इंट्रामोलिकुलर एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोन आप कह सकते हैं फिफ्थ स्टेप में सिक्स्थ स्टेप फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टेप नेक्स्ट इज से प्रोटोनेशन नेक्स्ट अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड लास्ट स्टेप नाइन्थ स्टेप अगेन प्रोटोनेशन और स्टेप में अगेन हम कह सकते हैं आयन फॉर्मेशन तो ध्यान देंगे स्टेप्स में नाइन स्टेप्स हो रहे हैं ध्यान पर कितने बार आयन बना यहां पर दो बार आयन बना इंपॉर्टेंट बात है दो बार आयन बन रहा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितनी बार ट्रांसफर कर रहा है सोडियम एक बार दो तीन और चार फोर टाइम्स सोडियम यहां इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है क्लियर सो इट्स ऑल अबाउट द बॉबल्ड ब्लैंक रिडक्शन एंड दैट आई टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म